एकता जिंदाबाद, शिक्षक एकता जिंदाबाद। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सिटीज देख रहे थे कि सीटेट बीटेट के छात्र जो हैं वो गर्दनी बाग में धरना दे रहे थे। 3-4 दिन हो गए थे, लेकिन आज जो है वो हवन कर रहे हैं। हाथों में नीतीश कुमार का फोटो है, शिक्षा मंत्री का फोटो है और हवन किस प्रकार कर रहे हैं, कितने लोग वहां मौजूद हैं, पंडित जी भी आ गए हैं। आप देखिए माहौल किस तरह से है वहां पे, गर्दनी बाग धरनास्थल का माहौल हम आपको दिखा रहे हैं विजुअल्स में। देखिए आप किस तरह से जो छात्र हैं वो वहां पहुंचे हुए हैं, बहुत भारी मात्रा में पहुंचे हुए और सारे के सारे बैठे हुए हैं और हवन कर रहे हैं, स्वाहा स्वाहा भी बोल रहे हैं। हाथ में नीतीश कुमार का फोटो है, शिक्षा मंत्री का फोटो है। क्या कुछ मामला है पहले आप वो देखिए। तो मुंडन करने से क्या हो जाएगा? एकता जिंदाबाद, शिक्षक एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, गुंजन जिंदाबाद। तो आपने देखा कि किस तरह से हवन कर रहे हैं, हाथों में फोटो है नीतीश कुमार और शिक्षा मंत्री का, लेकिन मुंडन भी करवा रहे हैं। हमने जब बातचीत की, पूछा कि मुंडन क्यों करवा रहे हैं, तो कह भी रहे हैं कि ये सब प्रायश्चित है, अब नहीं रहा जा रहा। और मैंने पूछा कि हवन क्यों करा रहे हैं, तो हवन इसलिए वो लोग करा रहे हैं, उनका कहना है कि शिक्षा मंत्री को थोड़ा बुद्धि की ज़रूरत है। हवन के बाद उन लोग को समझ में आ जाएगा कि जो स्टूडेंट्स हैं उन पर क्या कुछ बीत रहा है, इसीलिए वो लोग आज पूजा कर रहे हैं। ये इस हद तक आ गए कि पूजा करना पड़ रहा है, लाठी खाते खाते थक गए हैं, अब पूजा कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि पूजा करने ही से कुछ होगा। और पूजा अपने लिए नहीं कर रहे हैं, शिक्षा मंत्री के लिए कर रहे हैं, नीतीश कुमार के लिए कर रहे हैं कि उन लोग को थोड़ा सा दिमाग आए और वो लोग इनके बारे में सोचे। सीटेट बीटेट के छात्र हैं ये, हवन कर रहे हैं, स्वाहा स्वाहा कर रहे हैं और बाल मुंडवा रहे हैं। हाल क्या था वहाँ का वो आपने देख लिया। तो बस लाइव सिटीज के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।